नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा और आप सभी को द बायोग्राफी चैनल पे फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हर रोज नया नया वीडियो लेकर आते रहते हैं, तो दोस्तों आज हम फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आशु बच्चन के जीवन परिचय के बारे में। तो दोस्तों आशु बच्चन कौन है? दोस्तों उन्हें अक्सर फरमानी नाच और भूरा ढोलक के साथ देखा जाता है। आशु बच्चन जी के स्वामित्व वाला एक चैनल है। ये सज्जन अपने दोस्तों के साथ वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। कभी आशु बच्चन और भूरा ढोलक के साथ ट्रेन में गाना गाकर वीडियो बनाते थे, तो कभी गांव देहात में लोगों का मनोरंजन करते हुए वीडियो बनाते थे। आशु भाई भी अपने वीडियो में गानों के बीच विभिन्न बॉलीवुड अभिनेताओं की आवाजों की नकल करते हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आशु बच्चन कौन है, कितना कमाते हैं और कितना ज़्यादा फेमस है, और उनका असली नाम क्या है और उनके जीवन के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आशु बच्चन बॉलीवुड की कई हस्तियों के बेहतरीन आवाज़ निकालते हैं। उन्होंने खुद एक वीडियो में बताया है कि वह 200 से ज़्यादा लोगों की आवाज़ निकालते हैं। दोस्तों आगे हम वीडियो में बताएंगे उन लोगों की नाम जिनकी आवाज़ अक्सर उनकी वीडियो में नकल करते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों आशु बच्चन मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद अजीज, कुमार सानू, उदित नारायण, नितिन मुकेश, मुकेश जी, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, सनी देओल, अक्षय कुमार, नाना पाटेकर, अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, विजय नायराज, मुकेश खन्ना, असरानी, आमिर खान, ऋतिक रोशन, जॉनी लीवर, प्राण, गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर, अमजद खान, अक्षय कुमार, कादर खान, एहसान कुरेश, दिलीप कुमार, परेश रावल, डैनी, राजकुमार, राज बब्बर, अजय देवगन, मिथुन, संजय दत्त, राजपाल यादव, सलमान खान, ओम प्रकाश, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, लालू यादव, रवि किशन, मनोज तिवारी के आवाज़ निकालते हैं। दोस्तों आशु बच्चन लोगों की आवाज़ की नकल कर लोगों का मनोरंजन करते हैं, जिन्हें लोग खूब पसंद करते हैं, उनकी कॉमेडी पर हंसते हैं, इसी कारण फेमस हुए। और फरमानी नाज ने हर हर शंभु गाना गाया, जिससे फरमानी नाज अभी सुर्खियों में है। इस कारण आशु बच्चन और भी चर्चा में है। दोस्तों सिराज आशु बच्चन, भूरा ढोलक और फरमानी नाज कभी एक साथ टीम का हिस्सा हुआ करते थे। भूरा ढोलक और फरमानी नाज का वायरल या सफलता के पीछे कहीं ना कहीं आशु भाई बच्चन का हाथ है। फरमानी नाज सिंगर के यूट्यूब चैनल का नाम पहले आशु बच्चन था, जिसे 2022 में बदल कर फरमानी नाज सिंगर कर दिया गया। और भूरा ढोलक वाले का एक यूट्यूब चैनल भी है, और अभी आशु बच्चन के पास एक से अधिक यूट्यूब चैनल है। आप उनके चैनल पर वीडियो को यूट्यूब पर सिराज आशु बच्चन सर्च करके देख सकते हैं। उनके चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 6 लाख को पार कर गई है। आशु भाई के सब्सक्राइबर्स की संख्या और उनके चैनल के व्यूज को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह अच्छा पैसा कमाते हैं। यह एक व्यवसाय की तरह है, कभी अधिक कमाता है और कभी कम। लेकिन अब आशु बच्चन काफ़ी मशहूर हो गए हैं, उसके कई यूट्यूब चैनल हैं और वह अन्य सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और अपने वीडियो अपलोड करते हैं। इसके साथ ही आशु बच्चन ऑफलाइन यानी किसी शादी पार्टी, फंक्शन, जगराता में भी जाते हैं और कई खबरें में भी सुर्खियों में आ चुके हैं, जिससे लगभग अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आशु बच्चन लगभग 50,000 महीने का इनकम करते हैं। आशु बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बड़ही कला गांव में हुआ था। आशु बच्चन के माता पिता, पत्नी और एक बेटी भी है। आशु बच्चन बचपन से ही गाने का बहुत शौकीन थे।
आशु बच्चन पढ़े लिखे नहीं हैं। आशु बच्चन अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिराज आशु बच्चन चैनल पर सितंबर 2021 को एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि पहले वह राहुल जी के यहाँ काम करते थे और उन्हें महीने के 15,000 रुपया मिलता था और सिराज को 10,000 रुपया। उस समय सिराज आशु बच्चन भूरा ढोलक और फरमानी नाज एक साथ काम करते थे। आशु बच्चन पढ़े लिखे नहीं हैं, सिर्फ उनकी टैलेंट के कुछ पैसे उन्हें मिलता था। उन्होंने वीडियो में बताया कि मैंने राहुल जी से बोला था कि कुछ पैसे बढ़ा दें, इतने में परिवार का खर्चा नहीं चल रहा है। फिर आशु बच्चन ने वहाँ से महीने की नौकरी छोड़कर सिराज के साथ आशु बच्चन नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया। उन्होंने खुद उस वीडियो में बताया कि मेरा असली नाम नूर मोहम्मद है, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरा नाम आशु बच्चन प्यार से रखा है। ठीक इसी प्रकार भूरा ढोलक भी असली नाम शान मोहम्मद है। आशु बच्चन सच में एक गरीब परिवार से हैं, जिन्हें बचपन से आर्टिस्ट की नकल करने की आदत है और इसी आदत के वजह से वह इतने पॉपुलर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल द बायोग्राफी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।